केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक फर्जी वीडियो के जरिए बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मामला चुनावों के बीच आरक्षण के मुद्दे से जुड़ा है, इसलिए इस मामले में तुरंत FIR दर्ज करके वीडियो को वायरल करने वालों की तलाश शुरू कर दी गई। अमित शाह के खिलाफ किसकी साजिश, क्या है एडिटेड वीडियो की सच्चाई, FIR दर्ज, आरोपियों की तलाश में पुलिस। चुनावी महासमर के बीच वायरल हुए इस एडिटेड वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। ये वीडियो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा था, इसलिए बीजेपी और गृह मंत्रालय की तरफ से FIR दर्ज कराई गई। बीजेपी के अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस ने अमित शाह का ये फर्जी वीडियो वायरल किया है। तेलंगाना कांग्रेस एक एडिटेड वीडियो फैला रही है जो पूरी तरह से फर्जी है और इससे बड़े पैमाने पर हिंसा भड़कने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने SC ST और OBC का हिस्सा कम करने के बाद धर्म के आधार पर मुसलमानों को दिए गए संवैधानिक आरक्षण को हटाने की बात कही। इस फर्जी वीडियो को कई कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पोस्ट किया है, जिसमें आसमा तस्लीम और अन्य शामिल है। उन्हें कानूनी नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक्स और फेसबुक को लेटर लिखा है और पूछा है कि एडिटेड वीडियो किस अकाउंट से पोस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने इस मामले में FIR दर्ज की है। उधर आरक्षण के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। कैसा माहौल है देश भर में भैया? देखिए, ये जो बीजेपी के लोग है ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? OBC का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? SC ST OBC का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी SC ST OBC आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की SC ST OBC नीति है। आरक्षण पर वायरल एडिटेड वीडियो को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपना रिएक्शन दिया है। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी धरपकड़ तेज कर दी है और उन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए फर्जी वीडियो को वायरल किया है।